कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भगवान बुद्ध की जमीन की मिट्टी जो है हम पहुंचा दें। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार सरकार में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत आज गया पहुंचे। जिस तरीके से आज भगवान बुद्ध की जयंती है उसको लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री और उनके साथ राज्यपाल जो हैं बिहार में राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर भी पहुंचे और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पे उन्होंने माल्यार्पण भी किया। और जिस तरीके से मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए बिहार सरकार में कृषि मंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध की जयंती समारोह में हम लोग आए हैं और जिस तरीके से इस मिट्टी का सुगंध जो है हम लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि वो देश में अमन चैन का सब कुछ बना के रखे और देश ऐसे ही आगे बढ़े। और उन्होंने ये भी कहा जिस तरीके से राज्य में अलग अलग गया से अलग अलग राज्यों से लोग श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पे माल्यार्पण भी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री कुमार सर्वजीत, आप इस वीडियो को पूरा देखें। बुद्ध जयंती है और भगवान बुद्ध की पावन धरती से हम देश और दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। देश में अमन और चैन हो, भाईचारा हो, सत्य और अहिंसा हो। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भगवान बुद्ध की जमीन की मिट्टी जो है हम पहुंचा दें ताकि अपनी ओर से वो देश में और विदेशों में सुख शांति का संदेश दे सके। ये हमारी आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन और देश के आम जनता से भी हमारा आग्रह होगा कि आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि यह देश की पवित्र धरती सबके लिए बना है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबके लिए है। यही इस देश की खूबसूरती है। इसलिए इस देश की खूबसूरती ना मिटे एक संकल्प लेना चाहिए और भगवान बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया को बताना चाहिए। महामहिम ने भी यही संदेश दिया है कि देश और दुनिया में सुख शांति स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो। तो आपने सुना बिहार सरकार में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का वो बयान जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से भगवान बुद्ध की आज हम लोग एक मैसेज भी दे रहे हैं और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को बुद्ध की और गया के इस पावन अवसर पे गया की मिट्टी से देश के प्रधानमंत्री को भी संदेश देना चाहते हैं ताकि वो देश में अमन चैन की भूमिका बनाए रखे। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से गया और गया के कई अन्य राज्य से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी कर रहे हैं और गया एक खुद में ज्ञान भूमि है और ऐसे में उनके साथ बिहार के राज्यपाल भी पहुँचे और तमाम चीज़ों पर बातचीत भी की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।